दोस्तों आज मैं आपके लिए बवासीर के मसू को पूरी तरह से सुखा के ख़त्म करने वाले रामबाण नुस्खा बताने जा रही हूं इनमें से आप कोई भी एक उपचार करेंगे आपके पाइल्स की जो मस्से हैं पूरी तरह सूख के खत्म हो जाएंगे और उसमें होने वाले दर्द और जलन की जो शिकायत होती है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी पहले दिन ही आपको इससे आराम मिलेगा पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा ज़्यादा ज़्यादा इसे शेयर करिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए सबसे पहला उपाय मैं आपको बता

तो देखिए पहले उपाय में वैसलिन पेट्रोलियम जेली जो आता है ये मस्सों को सुखाने का काम करता है क्योंकि ये हीलिंग करने का काम करता है जिससे मस्से श्रिंक हो जाते हैं सिकुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे सूख के खत्म हो जाते हैं तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पे देखिए हम कच्ची हल्दी लिए हुए हैं कच्ची हल्दी को आप इस तरह से कद्दूकस करके उसका रस निकाल के तैयार कर लीजिए अगर कच्ची हल्दी नहीं है तो आप ड्राई हल्दी जो घर में सूखी हल्दी आती है पाउडर आप उसे यूज़ करिएगा तो देखिए मैं आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं बहुत इफेक्टिव उपचार है अगर आप इसे लगातार करेंगे तो आप देखेंगे सात दिन में मस्से पूरी तरह सूख के खत्म हो जाते हैं तो देखिए आधा चम्मच वैसलीन पेट्रोलियम जली लिया है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर इन दोनों चीज़ों को आप एक साथ मिक्स करिए बहुत आसान है बनाना जैसे आप पहले दिन के लिए बना रहे हैं तो एक बार के लिए ये तरीका हम आपको बता रहे हैं एक बार के लिए अगर आप चाहें तो इसे इकट्ठा बना के रख सकते हैं तो जितना आप पेट्रोलियम जेली लीजिए उतना ही हेल्दी लीजिएगा तो आप इकट्ठा अगर एक हफ्ते के लिए बनाना चाहते हैं तो आप साथ साथ बना के इसे स्टोर करके किसी भी एयरटाइट डिब्बी में आप इसे रख लीजिए और आप इसे दिन में कम से कम दो से तीन बार जरूर लगाइएगा ये देखिए बहुत आसान है हाथों से अच्छे से मिक्स करिए क्रीम फॉर्म में जब ये बन जाए तो ये बन के आपका तैयार हो गया क्रीम बस आपको करना क्या है क्रीम को लगाने के लिए हमने कई बार आपको बताया है कि क्रीम जो होता है जब मससे जहाँ जहाँ पे भी हो आप वहाँ पे ऐसे फिंगर की हेल्प से लगा सकते हैं या फिर कॉटन के हेल्प से लगा सकते हैं यानी पूरे मस्सों पर आप इस तरह से ये जो पेस्ट है इसको आप अच्छे से कवर कर दीजिए और इसे लगा के आधे से एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद आप इसे वॉश करके साफ कर सकते हैं गुनगुने पानी से करिए फिर नॉर्मल पानी से कैसे भी आप इसे साफ़ करके आप हटा दीजिए और ऐसा आप दिन में दो तीन बार करेंगे तो आपको पहले दिन ही से आराम मिलेगा ये पेट्रोलियम जेल जो होता है बहुत इफेक्टिव होता है इसके साथ जब हल्दी पड़ता है हल्दी जो होता है एंटीसेप्टिक एंटीपायरेटिक होता है जो दर्द को सूजन को और जलन को भी दूर करता है लास्ट में वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रीम को लगाने से पहले आपको क्या क्या करना है क्या चीज़ करना है उसके बाद आप क्रीम अप्लाई करिएगा इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए बहुत इफेक्टिव ये नुस्खा मैं आपके साथ बता रही हूँ दूसरा जो उपचार है ये है शहद शहद जो होता है ये भी मस्सों को सुखाने का काम करता है क्योंकि स्किन को ये ये सॉफ़्ट करता है और जहाँ पे मस्से होते हैं वहाँ की स्किन को ये अच्छे से ये रिमूव करने का काम करता है यानी जो डेथ टिश्यूज होते हैं उनको हटाता है उसके लिए आपको इसके साथ मिक्स करना है घी घी जो है देसी घी आप यूज़ करेंगे जो गाय का देसी घी होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है मसुँ के लिए तो आप इसमें घी और शहद अब ये दोनों का जो मिश्रण बन जाता है इसे खाने में बिल्कुल यूज़ नहीं करना इसे सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए मैं बता रही हूँ कि आप इसे बाहरी तौर पे मसों पे लगाएंगे इन दोनों का मिश्रण जो बन के क्रीम बन के तैयार होती है ये क्रीम पाइल्स की कितनी भी पुरानी चालीस साल पुरानी अगर पाइल्स की समस्या है तो वो भी आपकी देखेंगे इसमें इससे मसू की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है तो बराबर मात्रा में ही लेना देखिए जितना घी लिया है उतना ही शहद दोनों को एक साथ मिक्स करके आप क्रीम की तरह बना लीजिए इसको मेल्ट करेंगे आसानी से देखिए गल जाता है हाथों से भी मेल्ट कर दीजिए आसानी से हो जाएगा ये गर्मी का सीज़न है घी बिल्कुल से गल जाता है आराम से देखिए किस तरह से क्रीम बन जा रहा है बस इसको इसी तरह से आप चाहिए फिंगर से करिए फिर स्पून से ही देखिए आसानी से बन जाता है इसको भी लगाने का तरीका सेम है आप इस क्रीम को लीजिए ये जो हमने बताया है इतनी मात्रा एक दिन के लिए है आप इसे दिन में दो से तीन बार लगा सकते हैं ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में जितना आपके मस्से हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको बनाइएगा और इसकी मात्रा जैसे मैंने बताया है ना दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए जितना भी आप घी लेते हैं जितना भी आप शहद लेते हैं दोनों की मात्रा बराबर है इस तरह बना के आप इसे रख सकते हैं इसे आप जब भी बनाइए ताज़ा ही बनाइए तो इसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और इसको बना के देखिए कैसे लगा रहे हैं ऐसे ही मसों पे आपको लगाना है और जहाँ भी मस्से हैं वहाँ पे आपने फिंगर के हेल्प से आप लगाइए और इसे भी आधे से एक घंटे छोड़ दीजिए उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी लेके किसी कपड़े से वॉश कर लीजिए ऐसा दिन में अगर दो से तीन बार करते हैं तो आपको पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और सात दिन में पसों की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी नेक्स्ट जो उपचार बताने जा रहे हैं नंबर थ्री पे है ये है एलोवेरा एलोवेरा के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि एलोवेरा हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये बाहरी से तो फ़ायदा करता ही अंदर से भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है एलोवेरा का जूस आप सुबह सुबह जरूर पिया करिए एलोवेरा और आंवला दोनों को अगर आप पीते हैं दोनों का जूस जैसे आपने फ़ाइव एम एलोवेरा लिया तो आप इसमें फ़ाइव एम आंवला जूस मिला के पिया करिए रोज नियमित पीते हैं तो पेट में जो गर्मी होती है वो खत्म हो जाती है और आपके

तो आपको पहले दिन ही इसे आराम मिलने लगेगा आपको देखेंगे कि मसों के जो साइज़ है वो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उसमें जो लाली सूजन होती है वो भी कम होने लगती है तो आप इसे करेंगे लगातार सात दिन ये जो हमने आपको तीन तरह की क्रीम बताई है इनको एक साथ तीनों नहीं करनी है आप इनमें से कोई भी एक क्रीम अप्लाई करिएगा और इसे दिन में तीन बार कम से कम लगाइए और सात दिन तक लगाइए ऐसा आप करके देखिए तीन बार लगाने से सात दिन के अंदर ये मसों की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी इसके अलावा अभी अभी आगे आपको वीडियो में हम बताएँगे कि मसों पे ये अप्लाई करने से पहले और क्या करें कि मस्से हंड्रेड परसेंट ख़त्म हो जाएं और उसमें जो दर्द है सूजन है जलन है वो भी कर, पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो देखिए ये जो क्रीम है ना इसे आप चाहिए तो फिंगर से भी लगा सकते हैं या फिर कॉटन के हेल्प से जहां हैं आप वहां पे इसे अप्लाई कर दीजिए और इसे लगा के आप इसे कम से कम जैसे बताया ना कोई भी क्रीम है आधे से एक घंटे आप उसे जरूर रखा करिए और उसको रखने के बाद एक घंटे हो जाए तो आप इसे हटा दीजिए और कोई भी हल्का सा कपड़े पर भिगा के गर्म पानी गुनगुना पानी हो उससे या फिर नॉर्मल पानी से वॉश करके आप हटा दीजिए और इसलिए मस्सों के लिए राम बाल नुस्खा मैं आपको जो तीनों बताई हूँ राम बाल नुस्खा है आप इसे करिए बिना झिझक के आप देखेंगे तीनों में से कोई भी एक क्रीम लगाते हैं तो मसों की समस्या पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी जो मस्से इतने सालों से हैं वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे और आगे जो उपचार बताने जा रहे हैं उसको अगर आप साथ साथ करेंगे तो मस्से कभी जो खत्म हो जाएंगे ना वो दोबारा जीवन में कभी नहीं होंगे और आपके दर्द में भी राहत होगा वो है देखिए आई से सिकाई बर्फ और गर्म पानी हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि अगर मसुओं की बहुत ज़्यादा समस्या है उसमें दर्द और जलन होती है तो सबसे बड़ा रामबाण उपचार ये है कि आप उसे सिकाई जरूर करिए देखिए सिकाई करने के लिए हमने टब में भी बताया है लेकिन ये जो सिकाई बता रहे हैं इसको आप करके देखेंगे आप पहले दिन आपको इसे आराम मिलेगा एलोवेरा की लीफ लीजिए उससे पहले सबसे पहले मसुओं को अच्छे से इसे क्लीन करिए एलोवेरा की लीफ की क्या होती है जो एलोवेरा जेल होता है ये ऊपर के जो डेड टिश्यूज होते हैं उनको हटाता है और उसको मॉइस्चर करता है उसके बाद एक बर्फ की ऐसे पोटली बनाइए और उसको कम से कम पंद्रह मिनट ऐसे धीरे 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 आप सिकाई करेंगे इसे बर्फ से करिए पंद्रह मिनट उसके बाद पंद्रह मिनट आपको गर्म पानी से करना गर्म पानी किस तरह से करना ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताएंगे तो बर्फ से करना फिर गर्म पानी से करना बर्फ से करना फिर गर्म पानी से यानी अल्टरनेटली आपको दिन में पंद्रह से बीस मिनट ये सिकाई करनी है गर्म पानी देखिए कैसे बनाएंगे ये नीम का पानी है नीम का पानी जो होता है एंटी बैक्टीरियल एंटी होता है जो उसके बैक्टीरिया टीशूज़ जो होते हैं जो डेड होते हैं जिन पर इन्फे, इन्फेक्शन हो जाने की वजह से वो इन्फेक्टिव एरिया हो जाता है जिससे मस्से आ जाते हैं उनको ये पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और मस्सों की जो समस्या जड़ से ख़त्म करता है तो नीम का पानी आप यूज़ करिए नीम को उबालिए और इस तरह से इसका पानी बनाइए अगर आपको नीम की पत्तियाँ नहीं मिलती हैं तो आप बाज़ार से नीम की पिसी पाउडर ले लीजिए उसको आप पानी में बॉयल करके इस तरह तैयार करिए तो जब ये पानी तैयार हो जाए ना तो इसे गरम गरम नहीं करना है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए यानी सहने लायक जब पानी होता है तब आपको इसे सिकाई करनी है तब में नहीं कर सकते तो आप गरम पानी लीजिए जैसे हमने बताया ना कॉटन का कपड़ा लीजिए उसमें इस पानी को पे डिप करा दीजिए और फिर उससे हल्का हल्का सिकाई करिए इसे गर्म पानी का सेक लगाते हैं कभी भी देखिए कहीं चोट हो जाता है सिकाई करते हैं तो गर्म पानी से कैसे सेकते हैं कपड़े को भिगा लेते हैं फिर उससे सेकते हैं तो इसी तरह से कपड़े को भिगा लीजिए इस पानी से सेकिए इस तरह से आप सेकें या फिर किसी कॉटन में रुई है उस पर भी आप पानी लगा के मसों को सेकिए पंद्रह से बीस मिनट आप दोनों चीज से अल्टरनेटिव सिकाई करिए बीस मिनट जरूर लगाइए सिकाई करने में इस तरह से ये स्किन के जो ऊपरी पर्थ होते हैं ना जो खराब टिश्यूज होते हैं उनको ये खत्म कर देता है उनके बैक्टीरिया को वहां पर डेड कर देता है जिससे मसी पूरी तरह खत्म होने लगते हैं उसके बाद बर्फ़ से करिए फिर ये गर्म पानी से ये दो चीज आप जरूर करिएगा उसके बाद जो क्रीम हमने बताई है उनमें से कोई एक क्रीम लगाइए गारंटेड रेमेडी है आप इसे सात दिन करने के बाद मेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको कितना ज्यादा राहत मिला और अगर आपको इससे आराम मिलने लगता है तो इसे लगातार आप पंद्रह दिन जरूर करिएगा जिससे जड़ से समस्या खत्म हो जाए और दोबारा आपको ये बीमारी कभी भी ना हो और अपना ध्यान रखिए खाने पीने का भी विशेष ध्यान देना है पानी ज़्यादा ज़्यादा पीना है गर्मी का सीजन है पेट को हाइड्रेट रखे रहिए जिससे कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ ना हो कब्ज को दूर करने के लिए हमने कई सारे आपको वीडियोज़ दी है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा हमने एक पूरा ही प्ले बना दिया है उसमें आप देख के उसे हेल्प ले सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा हम आपके सवालों का जवाब देंगे इसी के साथ अपना खूब खूब ख्याल रखें थैंक यू बाय बाय टेक केयर thank mm -hmm.